कन्नौज में 352 करोड़ की 59 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाली मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। व्यापार के साथ साथ राष्ट्रवादी मिशन के साथ जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी पंचम पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक जी को उनकी सेवा के लिए, उनकी साधना के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं श्री सुब्रत पाठक जी और श्री असीम अरुण जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधान परिषद के हमारे निवर्तमान सदस्य श्री बनवारी लाल दोहरे जी के मृत्यु के उपरांत उनके परिवार जनों के साथ संपर्क और संवाद बनाने और आज उनसे मेरी मुलाकात करवाने और वहां तक मुझे जाने का अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय बनवारी लाल दोहरे जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भैया बहनों, आज जब कन्नौज में आए हैं तो कन्नौज का तो अपना इतिहास रहा है। महाराजा हर्षवर्धन अपनी दान वीरता के लिए जाने जाते थे और प्रयागराज कुंभ की जब हम बात करते हैं तो महाराजा हर्षवर्धन के बगैर वह सब अधूरा माना जाता है। एक कन्नौज की ही धरती है, मां गंगा की ही कृपा है कि हर्षवर्धन को भी राजा के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य कन्नौज की धरती ने दिया और कन्नौज की धरती से उन्होंने देश के अंदर जो शासन व्यवस्था की नींव रखी थी वह सैकड़ों हजारों वर्ष पहले राम राज्य की अवधारणा को पूरा करता है। आज मैं कन्नौज में आया हूं तो महाराजा हर्षवर्धन के समय से प्रारंभ उस राम राज्य की अवधारणा को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आपका आह्वान करता हूं, अभी लोकसभा चुनाव को घोषणा होने में लगभग एक माह होगा, इस दौरान आप सुब्रत पाठक जी को, असीम अरुण जी को, अर्चना पांडे जी को, कैलाश राजपूत जी को और इन सभी पदाधिकारियों को पकड़ करके एक बार अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए जरूर आइए। कितने लोग अयोध्या जाना चाहते हैं? पूरा ही कन्नौज जाना चाहता है और हम लोग तैयार हैं आप सबका स्वागत करने के लिए। अयोध्या धाम में आपका स्वागत सरकार करेगी और मैं चाहूंगा कि उससे पहले अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के आगमन के पहले यहां पर यहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किया है उसकी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज कन्नौज को प्राप्त हो रहा है, इसकी भी बधाई आप सबको दे दो। भैया बहनों, जब योग्य जन प्रतिनिधि हम चुनते हैं वो आपके सुख दुख में सहभागी बनता है, शासन की योजनाओं को आप तक पहुंचाता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज का प्रत्येक वर्ग अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करता है
और प्रफुल्लित भी महसूस करता है। आज यही तो कारण है, अभी कुछ दिन पहले आपने मोदी गारंटी की गाड़ी देखी होगी, गांव-गांव में जाती थी, शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार करती थी, सिचुएशन के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या प्रयास प्रारंभ हुआ है इसको लगातार आगे बढ़ाने का कार्य भी करती थी, तो साथ साथ इसका भी प्रयास करती थी कि जो लोग बचे हैं उनके फॉर्म हाथों हाथ भराए भरे जाएं। और देखिए मोदी जी ने कहा था ना कि मोदी की गारंटी में भी गारंटी है, मकान के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उन सबके मकान की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने बजट में इस बार कर दी है। जो पहली फरवरी को भारत सरकार का बजट आया है, इस अंतरिम बजट में 2 करोड़ नए लोगों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा भी कर दी है और 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण देने के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। बहनों भाइयों, इस सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन सरकार जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुनती है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आपने अच्छा जनप्रतिनिधि चुना, अच्छा सांसद चुना, तो आपके लिए संसद में देश के अंदर आपकी आवाज उठाते हैं। अच्छे विधायक आपने चुने तो प्रदेश में आवाज उठाते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के क्रम में आज आपको ये सब देखने को मिला है। आप मुझे बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या राम